नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश बाली यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि नोट्स हम लोग किस प्रकार से बनाएं जब हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा की। ठीक, अभी आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा क्योंकि हम आपको शिक्षा शास्त्र एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो हम उसी को दृष्टिगत रखते हुए बात करेंगे। बात करने से पहले अपना प्रोफेसर को हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए भाई। अपना प्रोफेसर ने पूरे कर लिए हैं अपने एक शानदार साल, एक साल बेमिसाल, जिसके उपलक्ष्य में आपको 50% का हैवी डिस्काउंट अपना प्रोफेसर ऐप की ओर से दिया जा रहा है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 और 2 कॉम्बो बैचेस की फीस जो है वो 50% डिस्काउंट के साथ हाफ हो गई है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वे जुड़ सकते हैं अपना प्रोफेसर ऐप के साथ। तो आइए जुड़िए और इस अवसर का लाभ उठाइए जिसके अंतर्गत आपको 50% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। प्राइजेस आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, तो उनको आप देख सकते हैं और आप दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ऑफर के संबंध में जानकारी के लिए। तो आइए हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से इफेक्टिव नोट बनाएं। पहले तो हम नोट्स के महत्व को समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जो आपकी परीक्षा है यूजीसी नेट की, यहाँ पर दो पेपर है, ठीक? पेपर 1 जो कि कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। एक बार इसकी नोट्स नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर 1 के लिए भी अपनी नोट्स बनाइए, ठीक है? विशेष करके उन विषयों के लिए जो कि कठिन माने जाते हैं, जहां से प्रश्नों को हल करने में कंफ्यूजन आती है या आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके नहीं तैयार हैं, तो उनके लिए आपको नोट्स बनाना आवश्यक है। जैसे कि क्या, जैसे कि आपकी फैलसीज होंगी, फैलसीज के आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है? या फिर जो है हायर एजुकेशन हो गया, वहां के नोट्स होने चाहिए क्योंकि वहां पर फैक्ट्स है और वो फैक्ट्स आप ना भूलें, इसके लिए आपको प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है। तो रिवीजन कहाँ से होगा? रिवीजन होगा नोट्स से। तो इसलिए नोट्स जो है बहुत इसेंशियल हो जाते हैं वो पेपर 1 2, ठीक है? पेपर 1 के लिए भी और इसके साथ ही पेपर 2 के लिए तो भैया महत्व तो रखते ही हैं आपके नोट्स, ठीक? अब नोट्स कैसे होने चाहिए उस पर अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये कि किसी भी इकाई को इग्नोर नहीं करना है नोट्स बनाते समय, ठीक है? आप बहुत डिटेल, मतलब इतना जो है एकदम डीप में नहीं चला जाए, आपको किताब नहीं लिखनी है, आपको नोट्स बनानी है। तो बहुत सारे साथी हमारे ये करते हैं कि वो पूरी पूरी पुस्तक को उठा के छाप देते हैं, वो नहीं करना। अपने को करना क्या है? अपने को करना ये है कि क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समाहित करने का प्रयास करना है। मॉडल्स के बारे में आप लिख रहे हैं, एक आध उदाहरण लिखिए, ठीक? मॉडल को चित्रात्मक रूप में चार्ट के माध्यम से बनाइए, मतलब आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं, बहुत एकदम ग्रंथ नहीं लिखना है, ठीक है? बहुत सारे साथी हमारे जो है ग्रंथ तैयार कर देते हैं नोट्स लिखते लिखते, तो वो नहीं करना है। तो अब नोट्स बनाने के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है? सिलेबस को समझना है, सिलेबस को आत्मसात कर लेना है, उसको घोल के पी जाना है, ठीक है? लिटरली घोल के पी नहीं जाना है आपको, मतलब उसको समझ लेना है सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से की टॉपिक्स हैं। जैसे अभी हमने पेपर 1 की बात की, तो पेपर 1 के जो की टॉपिक्स हैं, जहां की जिनके की नोट्स बनाना अत्यावश्यक है क्योंकि उनका बार बार आपको रिविजन करना है, फैक्ट्स हैं उसमें। अब गणित की नोट्स आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन फैलसीज हो गई, हायर एजुकेशन हो गया, SDGs हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, वहां पे फैक्ट्स हैं, आप तथ्य हैं, उनको आपको याद करना है। याद वो तभी होंगे जब आप उनका रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो दीज आर द की टॉपिक्स, आपको उन टॉपिक्स की नोट्स बनानी है। जैसे कि अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, तो लगभग प्रत्येक इकाई में आपको कुछ 2-4 मॉडल 5 मॉडल दिख जाएंगे, तो उन मॉडल्स की आपको नोट्स बनानी है। नोट्स कैसे कैसे बनाएंगे? तो इन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्य विषयों की पहचान करेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप जो है अदर रिसोर्सेज, ठीक है? अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, आपके पास यदि कोई पुस्तक उपलब्ध है तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, ऑनलाइन पुस्तक भी उपलब्ध होती हैं, ठीक? उसके साथ ही साथ रिसर्च पेपर्स हो गए और ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कोई वेबसाइट से का लेख हो गया या फिर जो है यूट्यूब की वीडियो हो गई किसी शिक्षक की, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे और वहां से फिर आप अपनी नोट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का उपयोग करना है, आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनानी है। ऐसा नहीं है कि हॉच पॉच, आप मतलब कि प्रोज नहीं लिख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि कहानियां लिखी होती हैं तो वो एक फ्लो में चल रही होती है, तो आपको फ्लो नहीं मेंटेन करना है, आपको
पॉइंट्स वाइज चलना है, हेडिंग वाइज चलना है, सब हेडिंग वाइज चलना है, जिस प्रकार से आपका शीर्षक जो जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि हाँ भाई एक इकाई है, इकाई के भीतर जो है सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंतर्गत जो है अलग अलग विषयों को बांटा गया है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी नोट्स भी होनी चाहिए। तो आपको शीर्षक, उपशीर्षक और बुलेट पॉइंट्स के साथ एक संरचित प्रारूप का उपयोग करना है, फ्रेमवर्क का उपयोग करना है, ठीक। आपको बाइलिंगुअल अप्रोच रखनी है, क्योंकि आपका विषय ऐसा है, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विषय ऐसा है कि अगर आप केवल केवल हिंदी पे जाएंगे तो समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आपको कम से कम जो हेडिंग्स हैं, जो टॉप मतलब जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि अगर कोई मॉडल अगर आप पढ़ रहे हैं तो मॉडल के जो अलग अलग स्टेप्स हैं, तो आप उसको हिंदी में भी लिखिए और अंग्रेजी में भी लिखिए, दोनों भाषाओं में यदि आप लिखे रहेंगे। काफी बार क्या होता है कि अंग्रेजी के शब्द को एज इट इज अप्रोच लिखा हुआ है, इसको ऐसे अप्रोच लिख के दे देंगे। अब यदि आपको अप्रोच का अर्थ पता है तब तो ठीक है, ठीक, और अन्यथा यदि आपको नहीं पता है तो आप उसी में उलझे रहेंगे कि भाई ये अप्रोच क्या है, क्या है अप्रोच, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए आप जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अंग्रेजी में भी लिखना है और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है, ठीक। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों बाइलिंगुअल चलना है, आपको जो की पॉइंट्स हैं उनको बाइलिंगुअल रखना है। उसके साथ ही साथ आपको विजुअल्स को इनकॉर्पोरेट करना है, अर्थात देखने में थोड़ा रुचिकर बनाना है, ठीक। रुचिकर किस तरह से कि आप देखें और आपको मतलब एकदम बैठ जाए दिमाग। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायग्राम्स का उपयोग करेंगे, चित्र का उपयोग करेंगे, चार्ट का उपयोग करेंगे, तालिकाओं का, टेबल्स का उपयोग करेंगे। जैसे डिफरेंसेस, अगर आप किन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंसेस को देख रहे हैं, अंतर को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप टेबल बना लेंगे, ठीक। टेबल से क्लैरिटी बनती है कि हाँ भाई किस आधार पर हम तुलना कर रहे हैं इन दो सिद्धांतों की। तो आपको तालिकाओं का, चित्रों का और चार्ट का, उसके साथ साथ माइंड मैप्स का भी उपयोग करना है, ठीक, माइंड मैप्स इत्यादि का भी उपयोग करना है नोट्स बनाते समय। एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज को शामिल करना है आपको अपनी नोट्स में, मतलब कि हर कॉन्सेप्ट के प्रयास करिए कि कोई ना कोई एक आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ एग्जाम्पल हो, मतलब जो भौतिक जगत के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ एक एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाए। तो काफी बार जो है आपको यदि कॉन्सेप्ट एज इट इज नहीं याद होता है तो उदाहरण याद रह जाता है, उदाहरण के माध्यम से आप सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं जब आप प्रश्न को हल कर रहे हो, ठीक। अब नोट्स तो बन गई, ये सारे नोट्स बनाने के लिए बातें थी, अब उसको रिवाइज भी करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है नोट्स का, ठीक है। रिवाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु हमारे छूट रहे हैं जब आप प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां से आपको कोई बात पता चलेगी, कोई फैक्ट पता चलेगा, जब आप प्रश्नों को हल करके उनका एनालिसिस कर रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उनका एनालिसिस कर रहे होंगे, तब आपके पास और भी बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठा होंगे, ठीक। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, आपने हो सकता है अपने नोट्स में ना शामिल किए हो, तो आपको उनको भी अपने नोट्स में स्थान देना है, फिर उनका पुनः रिवीजन करते रहना है। तो पुनरावलोकन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करें, संक्षेप में लिखें, ठीक। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इंक्लूड सैंपल क्वेश्चन टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ का, अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए आपने जो नोट्स बनाए थे उसके आधार पर किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न यदि आप अपने नोट्स में शामिल करते हैं तो आपकी समझ और बेहतर बनती है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, नोट टेकिंग एप्स हैं बहुत सारे, ऑडियो नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के ऑडियो नोट्स बना लिया आपने, उदाहरण को बोलकर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं, ठीक है, तो वो ऑडिटरी डिवाइसेस का यूज करते हैं नोट टेकिंग के लिए, ठीक है, तो वो नोट रिकॉर्ड करते हैं, उनको सुनते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। तो रेगुलरली आपको नोट्स अपडेट करनी है और ये देखना है कि कमी कहाँ पर है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, वो आप जब प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां से पता लगेगा। तो इफेक्टिव नोट टेकिंग जो है इज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन यूजीसी नेट, वो मतलब किसी भी एग्जाम के लिए नोट टेकिंग इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि बहुत ही हैवी कॉम्पिटिशन का दौर है, तो ऐसे में प्रभावी नोट बनाना जो है आपके लिए सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, और इसमें अपना प्रोफेसर ऐप आपके साथ है, तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं अपना प्रोफेसर ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। फ्री कंटेंट सेक्शन में अपना प्रोफेसर ऐप की जो यूट्यूब क्लासेस होती हैं उसके उसकी पीडीएफ इत्यादि अवेलेबल रहती हैं। उसके साथ ही हैप्पी बर्थडे बोलिए अपना प्रोफेसर ऐप को और 50% के हैवी डिस्काउंट का लाभ उठाइए, जुड़िए अपना प्रोफेसर ऐप के साथ, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए।
अपना प्रोफेसर ऐप कुछ इस प्रकार से दिखता है। यदि आपने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए। एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए भी बैचेस उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ ऑफर के संबंध में और कोर्सेज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9354461655। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नोट्स बनाइए, तैयारी करिए और सफल होइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।